तो आपके पास क्या है, चैप्टर टू, चैप्टर टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैं एक केस स्टडी आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। अब समझिए आप लोगों को केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले उसके जो बेसिक्स फंडे है ना इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको क्लियर आना चाहिए। सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, साथ ही आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि tan theta is what, perpendicular upon base, sin theta is what, cos theta is what, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये केस स्टडी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। देखो केस स्टडी बहुत ही आसान है, उसने क्या बोला है आपको कि कोई दो मेन है, ठीक है, ये दो मेन होंगे, और क्या है आइदर साइड ऑफ द रोड, सॉरी टेम्पल, टेम्पल के आइट साइड खड़े, और ये बोल रहा है कि दोनों मेन के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 40 अंडर रूट 3 है। मतलब ये दो मेन है, ये टेम्पल हो गया आपका, कि दोनों मेन जो है ना आपस में एक दूसरे से 40 अंडर रूट 3 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े, ठीक है। उसने ये भी बोल दिया कि जो टेम्पल है ना, टेम्पल इसका जो हाइट है ना वो 30 मीटर, टेम्पल का हाइट कितना है 30 मीटर, और ये जो पहला पर्सन है ना, कौन पहला पर्सन, कौन ए का जो टेम्पल से जो डिस्टेंस है वो 30 अंडर रूट 3 मीटर। तो बता दो बेटा दूसरे पर्सन का टेम्पल से डिस्टेंस कितना होगा, समझदार है आप क्लास 12 के बच्चे, ये 40 अंडर रूट 3 है, ये 30 अंडर रूट 3 है, तो ये कितना होगा 10 अंडर रूट 3 मीटर, क्लियर क्लियर, ये 10 अंडर रूट 3 हो गया। अब ये तो 30, अब उसने इस डायग्राम को कंप्लीट कर दिया ऐसे, ठीक है, उसने इस डायग्राम को कंप्लीट कर दिया केस स्टडी में। केस स्टडी की थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, दो मेन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 अंडर रूट 3 है, दोनों टेम्पल के आइट साइड है, और जो टेम्पल का जो हाइट है वो कितना है 30 मीटर है, पहले पर्सन का डिस्टेंस 30 अंडर रूट 3 मीटर है, दूसरे पर्सन का जो डिस्टेंस 10 अंडर रूट 3 मीटर है, क्लियर। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फा, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है बीटा, ठीक है। अब उसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एंगल सी ए बी, फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल सी ए बी इक्वल टू अल्फा, देखो सी ए बी ये वाला एंगल, देखो एंगल सी ए बी, ये रहा एंगल सी ए बी, और ये कितना है अल्फा, और इसमें क्या बोल रहा है, चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है साइन इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3, दूसरा ऑप्शन दिया है साइन इनवर्स 1/2, तीसरा ऑप्शन दिया है साइन इनवर्स 2, और फोर्थ ऑप्शन दिया है साइन इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन √3, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताना, एंगल कौन सा, एंगल सी ए बी, और सी ए बी कितना दिया है आपको अल्फा, तो वो अल्फा की वैल्यू इनमें से क्या हो सकती है, यानी कुल मिलाकर हमको साइन अल्फा निकालना पड़ेगा। और बता दो बेटा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखो ये कौन हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये कौन हो गया हाइपोटेन्यूस। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं, देखो ये वाला साइड नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढ के लाना है, सबसे पहला ही काम मेरा होगा हाइपोटेन्यूस को ढूंढ के लाना। तो मैं पीजीटी अप्लाई कर देता हूं, पीजीटी आपको अच्छे से आता होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है बेटा 30 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस कौन है बेटा आपके पास 30 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ये तो गया आपके पास एच स्क्वायर, 30 का स्क्वायर यहां भी और 30 का स्क्वायर यहां भी कॉमन करो, 1 + 3 हो जाएगा क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो बेटा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो गया 30 का स्क्वायर इंटू 3 + 1 = 4 यानी 2 का स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटाओगे तो सामने के भी स्क्वायर हट जाएंगे, कौन आ जाएगा 30 × 2 यानी एच आ गया आपके पास 60, तो आपको एच मिल चुका है इस सिस्टम का, क्या इतना क्लियर है। अच्छा ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिए था तो मैंने पीजीटी अप्लाई कर दिया, क्या इतना समझ में आया, क्योंकि मुझे साइन चाहिए, मुझे टेन चाहिए होता ना तो मेरे पास बेस भी था और परपेंडिकुलर भी था, टेन के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मुझे टेंशन सिर्फ साइन के लिए थी क्योंकि उसके लिए मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिए, इसलिए मैंने इसमें पीजीटी अप्लाई किया। अब देखो साइन अल्फा क्या बनेगा बेटा बोलो जल्दी से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा 30 अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन हो गया 60, 3 × 3 = 3, 2 × 6, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, सो अल्फा इज इक्वल टू बोलो बेटा जल्दी से साइन इनवर्स 1/2, ऑप्शन नंबर
सेकेंड इसका क्या समझ में आया, क्या ये समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये एंगल सी ए बी ही पूछ रहा है। एंगल सी ए बी इक्वल टू अल्फा और दिया है आपको पहला ऑप्शन कॉस इनवर्स 1/5, दूसरा ऑप्शन कॉस इनवर्स 2/5, तीसरा ऑप्शन कॉस इनवर्स √3/2 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कॉस इनवर्स 4/5। कॉस इनवर्स 4/5, चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? तो ठीक है ना, अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए क्योंकि साइन अल्फा आ गया है, अब किसकी बारी? कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा भी निकल जाएगा। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस को नहीं आपको 30√3 और हाइपोटेन्यूस को नहीं आपके पास 60, 30 बन जा 30, 32 जा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कौन आ जाएगा? √3/2, सो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। क्या क्लियर है? देखो सेकेंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कोई कंफ्यूजन बेटा, ये बता दो मुझे, एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलिए आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड बोल रहा है आपसे एंगल बीसीए। देखो एंगल बीसीए यानी कौन है वो? बीटा। एंगल बीसीए यानी क्या पूछ रहा है वो आपसे? एंगल बीसीए बीटा पूछ रहा है और इन टर्म ऑफ टेन पूछ रहा है बेटा। टेन इनवर्स, चार ऑप्शन दिए हैं, टेन इनवर्स 1/2, सेकेंड वन इज टेन इनवर्स 2, थर्ड वन इज टेन इनवर्स 1/√3 एंड फोर्थ वन इज टेन इनवर्स √3। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? कर सकते हैं क्या? बहुत ही आसान है, इस बार अल्फा को नहीं देखना, इस बार देखना है बीटा को। और अगर बीटा को देखना चाहिए वाला ट्रायंगल, बीटा को देखना है, बोलो बेटा जल्दी से, टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन हो गया? 30, और बेस कौन? टेन √3, 0 से 0 कैंसिल। इस 3 को क्या लिख सकते हो? √3 × √3, √3 से √3 कैंसिल, सो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, टेन इनवर्स √3। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज एंगल एबीसी इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 5/4, 5/6, 5/2 और 5/3। अब एंगल एबीसी की बात कर रहा है वो, ए बी सी यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है। बताओ बेटा ये एंगल अल्फा कितना मानते हो आप लोग? अल्फा साइन निकाला तो साइन कितना आया था पता है? साइन अल्फा कितना आया था 1/2 आया था। और बता दो साइन 1/2 कहां पर होता है? साइन 1/2 कहां पर होता है? 30 डिग्री। और बता दो, ये देखो टेन बीटा कितना आया? √3। और बताओ टेन √3 कहां होता है? सिस्टी। तो देखो ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 60, अरे ये बीटा 60 और अल्फा कितना हो गया 30, दोनों मिलकर 90। और ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलकर कितना होता है? 180। अरे तो जब ये दो एंगल 90 हो गए तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो 90 यानी 5/2। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज द डोमिनेंट रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। क्या चाहिए? कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज। तुमको पता है इसका डोमेन और रेंज? तो हम लोग पढ़ चुके थे ना, डोमेन और रेंज, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आती है? -1 से लेकर 1 तक। और इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या था बेटा, बोलो जल्दी से, 0 से π। ये तो हो जाएगा इसका डोमेन और ये हो जाएगा इसका रेंज। ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या ये केस स्टडी आपको समझ में आया? यस सर।